बहुत शुक्रिया नुमान. हमारा रोल एज ए स्पॉन्सर नहीं बल्कि आपने अच्छा किया क्लैरिफाई करें एजुकेशनल पार्टनर के तौर पे कि वी टेक प्राइड इन द फैक्ट दैट जो भी आप इस तरह की लीडरशिप शो कर रहे हैं उसमें हम जो अपना हिस्सा बता सकें वो बहुत कम है. और मैं इकबाल के हवाले से ये कहूँगा कि जो कुछ मैं अपने आप को देखता हूँ आज जिस हवाले से उसमें इकबाल की जो तालीम थी उसका बहुत बड़ा हाथ है. इकबाल को जो पढ़ना मैंने सीखा अपने दादा से और उनके थ्रू मेरे पूरी फैमिली के अंदर, मैं तकरीर किया करता था पाँचवीं जमात से और पहली जो मुझे इनाम मिला उसमें कुलियात इकबाल थी. और वो चीज़ जो है मेरे लिए आज तक अभी भी मेरी लाइब्रेरी में है. ओबियसली मैं आप अब्दी साहब की लाइब्रेरी से भी इस्तेफादा ज़रूर करना चाहूँगा. उन्होंने मुझे भी इन्विटेशन भेजा है तो मैं याद रखूँगा कि आपके ज़रूर आऊँ. इकरा की तरह आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा. लेकिन ये चीज़ है कि उसकी अगर इकबाल की शायरी को आप पढ़ते हैं किसी भी हवाले से, और बहुत अच्छी बात की पैनल डिस्कशन में भी कि आप जिस स्टेज से भी देखते चले जाएं, क्योंकि इकबाल का स्टूडेंट मैं रहा हूं बचपन से लेके अभी तक, और उसमें यही है कि आपके अंदर शौक़ है और एक दफ़ा वो आपको एंगेज कर लेती है वो शायरी, और उसमें तालीम भी है, उसमें फ़लसफ़ा भी है, उसमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी है, और मोर इम्पॉर्टेंटली उसमें अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी के साथ आपका जो नाता है वो कैसे बनाते हैं आप, और उसमें आप कैसे दुनिया को बेहतर से बेहतर लेके चलते हैं, और उसको आप लीडरशिप अपने आप को आप उसे कह सकते हैं कि अपने आप को एज ए सोसाइटी एज उम्मत मुसलमा के तौर पे आप कैसे ग्लोबल फ्रंट के ऊपर, जिसे मैं कहूँगा कि आप उसको अपनी लीडरशिप पोजीशन को दोबारा से एसरटेन करते हैं जो कि हमने गवा दी है. इकबाल इसको इस तरह से नहीं कहते बल्कि उसको समझते हैं कि ये हमारा ही एक गुमगुश्ता माल है जिसे आप जाके दोबारा से अपने दिलों में सीनों में तलाश करें और फिर आगे दुनिया तक आप उसको मुस्तफीद करें. और वही बच्चों के लिए भी कहते हैं, हमारे लिए भी शायद यही कहते हैं कि निगह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस, यही है रखते सफ़र मेरे कारवां के लिए. तो यही सबक जो है मेरे ख्याल है हम सबको, और मैंने भी सीखा और उसी को लेके आगे चला, और आगे चल के अपने बच्चों को भी हम डेफिनेटली ये पास करना चाहेंगे. और मैं इनक्रेज करूँगा कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ और स्टडी सर्कल जो आप लेके चल रहे हैं हमारे से जो खिदमत हो सकेगी हम ज़रूर उसके लिए हाजिर हैं. ये हमारा फ़र्ज़ है आप लोगों का साथ देना. ये कोई हम इसमें कोई आपको स्पॉन्सर या फेवर नहीं कर रहे हैं, ये हमारा विरसा है और हम सबको अपने बच्चों तक पहुंचाना है. क्योंकि मसाजिद में, इस्लामिक स्कूलों में हमारे पास बहुत से फोरम्स हैं जहां हम अपनी इस्लामी तालीम को और दूसरी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, लेकिन उसकी जो समझ इकबाल जैसे शौरा ने और उस जैसे फिलासफ़र्स ने हमें उसकी जो इंटरप्रटेशन की है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने इसकी इसका तर्जुमा भी किया, अनफॉर्चुनेटली हम तक नहीं पहुँच सका, लेकिन वो सोच जो है वो आफाकी है. दैट टेक्स अस टू द नेक्स्ट लेवल. And I think that's how we need to look at it, and that's how we need to bring it our kids in connection with that. So thank you very much for all your service. I cannot thank you enough for that. Thank you very much. Assalamu alaikum. बहुत शुक्रिया रिजू साहब को रोकेंगे इधर एक मिनट के लिए, क्योंकि इनके लिए भी एक सुवेनियर है छोटा सा जो उनके साथ देके भेजेंगे. लॉ भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब प्रेजेंट करेंगे आपको. बहुत शुक्रिया.